83 was different actually. 83 was very different. हम लोग अलग थे. तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं हूँ, मैं मैच की बात बताता हूँ. एक हम सेमीफाइनल्स खेल रहे थे, मैं और यश बैटिंग कर रहे हैं उस टाइम इंग्लैंड के अगेंस्ट. तो हम लोग टी के टाइम ना, उस टाइम लंच ब्रेक भी होती थी, टी टाइम भी होता था. तो लंच से पहले सनी आउट हो गया, श्रीकांत आउट हो गया, तो हम थोड़ा धीमा ही खेले. तो मैंने यश को बोला, यार देख विकेट नहीं गिरनी चाहिए, तो रन नहीं बनते कोई बात नहीं, बहुत ओवर्स हैं, ठीक है जिम्पा, ठीक है. तो हम लोग धीरे खेले, कोई रन नहीं आए. तो हम ड्रेसिंग रूम में गए, तो ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा, कोई हमारी तरफ देखे ही ना, कोई चाय ना दे हमें, कोई पानी ना पूछे. तो हमने कहा, हमने क्या जुर्म कर दिया यार यहाँ पे, हम तो प्लानिंग के हिसाब से खेल रहे हैं. एनीवे 20 मिनट की ब्रेक हुई, तो हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच था, तो हम जैसे ही निकले वहाँ से, तब भी किसी ने कुछ नहीं बोला. नॉर्मली कहते हैं ओके कम ऑन बॉय, गुड लक, ये वो. आती पूरी टीम नाराज थी हमसे. तो हमने पाँव रखा ग्राउंड पे, मैंने यश को कहा, यार अब देख अब टाइम आ गया है, तो हम दोनों को रिस्क नहीं लेना है, तो मैं रिस्क लेता हूँ और तू अपना आराम से खेलना. हाँ जिम्पा, ऐसे ठीक है. तो मैं गया, तो पहले ओवर में मैंने एक चौका मार दिया निकल के मिड ऑफ के ऊपर से, तो 4 रन हो गए. तो यश, अब यश को कैसे वो सहन हो जी, पंजाबी है. तो नेक्स्ट ओवर आया, यश ने एक चौका मार दिया निकल के ऊपर से रिस्क लेके. मैंने कहा, यार बात तो सुन, जरा चिल कर, विकेट नहीं गिरने चाहिए, एक आउट हो जाए, दो आउट हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी. नहीं यस जिम्पा, नो प्रॉब्लम. ऐसे ठीक है. अच्छा फिर टाइम्स रन आने शुरू हुए, तो बॉब विलिस गेंदबाजी करने आया एक एंड से, तो लॉन्ग रन अप बॉब विलिस का, बड़े बड़े बाल उसके. तो अपना भाग के आया, तो मैंने कहा यशपाल जरा आराम से. हाँ जिम्पा, यस नो प्रॉब्लम. तो आया, तो यशपाल ने विकेट छोड़ दिया सब अपने, ऐसे ऑफ साइड पे मूव हुआ, इधर से ऐसे फ्लिक किया, ह्यूज सिक्स. तो मैं नॉन स्ट्राइकर था, तो मैं, मुझे थोड़ा डर भी लगा, इसने किया क्या है. मैंने कहा एनी वे यश गुड शॉट, बट ए रिस्क क्यों लेता जिम्पा, यू डोंट नो. मैं गया ना गुस्सा क्यों, एने मैनू मद्रास च गालां कटियां सीगियां तो मैं अज पूरा किया. मैं क्या, वो तो ठीक है जे आउट हो जाता फिर ले, मैनू अपने भरोसा है. तो है यशपाल शर्मा साढ़े, एंड यू प्लेड ए फैंटेस्टिक नॉक इन द सेमीफाइनल, एंड लवली टू हैव यू रणवीर, आप हमारे फैमिली के मेंबर बन गए हैं. एंड कबीर खान भी हमारे फैमिली मेंबर बन गए हैं, और मधु डेफिनेटली, और हम भी और सब एक्साइटेड हैं कि हम आई थिंक इस जर्नी पे जा रहे हैं. और कोशिश यही रहेगी कि जो हमारे पास, जो हमने देखा है, जो हमने शेयर किया है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, तो हम सब आपके साथ बांटना चाहते हैं, जिससे कि आप देख सकें कि ये दौर हमारा कैसे गुजरा. थैंक यू वेरी मच.